हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डिलीटेड फाइल्स कहाँ जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स पर ग्रीन और रेड डॉट का सिंबल क्यों होता है, स्कूल वैन्स येलो कलर में क्यों होते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल मिस डायनामिक को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक लाइक एंड शेयर भी कर दें। हम सब लोग कई बार अपने फोन से या कंप्यूटर से अनावश्यक यानी अनवांटेड फाइल्स डिलीट करते रहते हैं। ऐसे डिलीट करे हुए फोटोस या फाइल्स कहाँ जाते हैं? अगर कंप्यूटर में देखें तो डिलीट करे हुए फाइल्स रिसाइकल बिन में जाते हैं। रिसाइकल बिन से भी डिलीट करे हुए फाइल्स कहाँ जाते हैं, इसका राज आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह समझने के लिए पहले फाइल्स कैसे सेव होते हैं यह जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे कंप्यूटर के मेमोरी को एक बुक जैसा समझिए। कौन सा चैप्टर कौन सी पेज में रहता है यह सब इंडेक्स पेज में होगा। ऐसा ही कंप्यूटर में भी कौन सी फाइल कहाँ सेव होती है बोलकर एक इंडेक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ्स बोटनी चैप्टर्स है समझो। अब कंप्यूटर में कुछ भी सेव करे तो सिस्टम 0110 बाइनरी कोड में सेव कर लेता है। अगर हम मैथ्स चैप्टर डिलीट करें तो आरक्यू में रहे मैथ्स चैप्टर कंप्लीट से डिलीट नहीं होगा, सिर्फ इंडेक्स में रहा मैथ्स नेम फाइल ही डिलीट होगा, यानी सिर्फ स्पेस फ्री कर लेगा। अब हम मैथ्स के लिए सर्च करें तो सिस्टम इस इंडेक्स में सर्च करेगा, वहाँ मैथ्स नहीं रहने के वजह से हमें वह फाइल नहीं दिखाई देगी। लेकिन आरक्यू में मैथ्स का कंप्लीट डेटा ऐसा ही रहेगा। इसलिए हम कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर को यूज करके डिलीट हुआ फाइल या डेटा फिर से पा सकते हैं। लेकिन अब हम फ्रेंच बोलकर नया चैप्टर सेव करने की कोशिश करें तो ऑलरेडी मैथ्स का प्लेस फ्री रहने के वजह से सिस्टम इस प्लेस में फ्रेंच को सेव कर लेगा, लेकिन अंदर मैथ्स का कंप्लीट डेटा को एरेस करके यानी डिलीट करके सिस्टम उसकी प्लेस में फ्रेंच का डेटा ओवरराइट करता है। ऐसा ओल्ड डेटा के स्थान में नया डेटा ओवरराइट हुआ तो पहले वाला डेटा को रिकवरी करना इम्पॉसिबल होगा। आप डिलीट करे हुए फाइल्स डेटा ओवरराइट नहीं हुए तक हम डिलीट करे हुए फाइल्स को सॉफ्टवेयर यूज करके फिर से पा सकते हैं। ऐसा कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करे तो उसकी जगह में यानी उसके स्थान में सिस्टम और एक फाइल का डेटा ओवरराइट करता रहता है। सभी लोग ये नोटिस किया होगा कि फूड प्रोडक्ट्स पर ग्रीन और रेड सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स का कारण ये है कि कानून के अनुसार शाकाहारी भोजन की पहचान हरे रंग के प्रतीक और मांसाहारी भोजन की पहचान लाल रंग के प्रतीक की गई है। इसका मतलब ये है कि जिस फूड प्रोडक्ट पर ग्रीन डॉट का सिंबल है वह फूड आइटम शाकाहारी, यानी वह फूड आइटम बनाने के लिए केवल सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है, और जिस प्रोडक्ट पर रेड डॉट का सिंबल है वह फूड आइटम मांसाहारी, यानी वह फूड आइटम बनाने के लिए मांस यानी नॉन वेजिटेबल का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, जो लोग शाकाहारिक हैं, वह इस ग्रीन सिंबल्स के मदद से अपने फूड खरीद सकते हैं। ज्यादातर स्कूल वैन्स और कॉलेज वैन्स येलो कलर में होते हैं। अगर हम देखें तो सभी कलर से येलो कलर 1.24 टाइम्स
फास्ट से हमारा ध्यान आकर्षित करता है और एक एक्सपेरिमेंट में भी साबित हुआ है कि सभी कलर्स को एक जगह रख कर देखे तो ह्यूमन बीइंग्स फास्ट से येलो कलर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बर्फ यानी स्नोफॉल के समय हो या खराब मौसम में या थोड़े अंधेरे में भी येलो कलर क्लियर से दिखाई देगा। और स्कूल या कॉलेज वैन्स में बच्चे ट्रैवल करते हैं और उनको सुरक्षित रखना भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए स्कूल कॉलेज वैन्स येलो कलर में होते हैं। और इन येलो कलर वैन्स को देखकर दूसरे व्हीकल्स के ड्राइवर चौकन्ना हो जाते हैं। अगर हम देखें तो जेसीबी, अर्थ मूवर्स जैसे व्हीकल्स भी येलो कलर में ही होते हैं। इसका कारण भी यही है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत से देशों के गवर्नमेंट ने येलो कलर को चूज किया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।